बैठ जाइए। अब पहले क्या था कि अभी 2-3 साल पहले तक ठीक है, तो बायो का आपको हम सिलेबस समझा दिए, क्या पढ़ना है समझा दिए, पढ़ना आपको है, करना आपको है, कोई आपके लिए नहीं कर देगा। आप कितना भी किसी से पूछ लें कि आप कैसे किए थे, आप कैसे किए थे, आप कैसे किए, प्रवचन वाला सेशन नहीं है, इधर से सुने इधर से। भरत भैया बताया वो भी टेंथ में निकले, रंजन भैया बताया वो भी टेंथ में, पप्पू भैया भी टेंथ में, पप्पू भैया तो गाइस टेंथ वाले पहले हाथ खड़े कर दो। वन पार्ट दैट आई कैन नॉट क्रेडिट फ्रॉम हियर, तुम्हारा क्वेश्चन समझ गए भाइयों, बैठ जाओ तुम, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हम विद्यार्थियों से प्रॉमिस करते हैं कि 1-2 महीने के अंतराल पे हम लोग इस तरह के करियर काउंसलिंग इस विद्यालय में होते रहेगा और ये रजत जयंती समारोह है। तो जितने भी नवोदय विद्यालय है पूरे ऑल ओवर इंडिया में और 10th 12th का जो क्लास होता है, तो इसका पर्पस क्या है, तो है क्या एक बैच में अप्रॉक्स 80 लड़के होते हैं, 70 लड़के हो जाते हैं, हर सुविधाएं यहाँ देती हैं, यहाँ तक कि एकेडमिक में भी बहुत ही अच्छा किया जा रहा है। यदि आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे नवोदय विद्यालय इन केस ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन लाइक केंद्रीय विद्यालय और अदर स्कूल, तो द परफॉर्मेंस ऑफ नवोदय विद्यालय इज ऑलवेज बेटर। तो ये भी सही, 1995 बैच का और मेरा नाम अमरीश कुमार है, फर्स्ट बैच रोल नंबर 71 और मुझे काफी अच्छा लगा। नहीं, स्कूल रोल नंबर मेरा 71 है और ये मेरा फर्स्ट बैच था। हमारे बैच सौरभ है और हमारे प्रेसिडेंट बम बम है और भी लोग आए हुए हैं, इनका मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आफ्टर 25 ईयर्स जो हम लोग यहाँ गैदर्ड हुए हैं, इट्स रियली बहुत डिलाइटफुल मोमेंट है। मतलब काफी तक सिर्फ हम लोग डॉक्टर या इंजीनियर को जानते हैं या यूपीएससी बीपीएससी में से किसी को क्वेरी है तो पूछे, मैं जवाब दूंगा। एनीवन, ये बात सही है कि हर कोई कोटा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी 9th में है और 10th में है जो पियर्सन बहुत ही हाई लेवल का बुक होता है, जो भी सॉल्व करता है उसके साथ बहुत सारा कंसेप्ट समस्या हो जाता है। क्या इस तरह के समस्या से उभरने के लिए एलुमनी एसोसिएशन हेल्प कर सकता है? श्योर, क्यों नहीं कर सकता है? लग रहा है कि एक वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप अच्छे लेवल का लाइब्रेरी हो और हर तरह की बुक फैसिलिटीज यदि चाहिए तो एलुमनी एसोसिएशन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। जो एस्पेक्ट है वो अगर हम पूरा नहीं कर पाए तो फिर एसोसिएशन काम किसका। धन्यवाद भैया, हम उम्मीद ही नहीं भरोसा दिलाते हैं कि जल्द ही आपके नोटिस ड्राफ्ट कर सकते हैं। जब हमारे पास IAS डॉक्टर इंजीनियर सब है तो फिर हमें कमी क्या है, उनका तन मन धन सब लगा हुआ है आपके लिए, जीवन कुर्बान है आपके लिए, निश्चित रूप से सभी आपके साथ है। आप लोग हौसला रखें, आपके हर कदम पे आपके बैंकिंग सेक्टर में भी आप लोग जा सकते हैं, बहुत खराब सेक्टर नहीं है, बहुत इज्जत वाली सेक्टर है, वर्कलोड बहुत है नो डाउट, बट इज्जत बहुत ज्यादा मिलेगी। काम कहाँ नहीं है, इसलिए काम से डरना नहीं है, बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है और मेहनत करिए। बैंकिंग सेक्टर में कुछ स्पेशलिटी नहीं है, किसी भी सेक्टर से आप जा सकते हैं। ग्रेजुएशन करना पड़ रहा है, खुद में पूरा फील होता था, लेकिन कैरियर एज ए होल बाद में जाके अच्छा हो गया,
जेंडर लाइन में भी जाके, तो बैंकिंग कैरियर अच्छा है, जहाँ जो फिनेंशियली नहीं उस तरफ जा सकते तो वो अपने लिए बुरा नहीं समझे, सपोर्ट में जा सकते। सो हमारे बैच में आउट ऑफ 80 ऑलमोस्ट 40 से 50 लोगों ने बायोलॉजी लिया था, उसमें से डॉक्टर कितने बने? 3। ठीक है जी, मैं आपके सामने एक फैक्ट रखना चाह रहा हूँ जो बाहर की दुनिया में होता है। एवरीबडी शुड एस्पायर टू बिकम अ डॉक्टर फॉर श्योर, स्पेशली बायो वालों के लिए। बाहर भी बहुत सारी दुनिया है, आपके अगर मेडिकल आप अगर डॉक्टर नहीं बन पाए, फार्मेसी है, बायोटेक्नोलॉजी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। फेसबुक पे एक ग्रुप है AIJAA जिसमें ऑल इंडिया जवाहर नवोदय विद्यालय के कितने ऑलमोस्ट 30-35,000 स्टूडेंट्स हैं। हर वीक कम से कम आप ट्राई करना, फुल ट्राई करना, अगर नहीं हुआ आपकी दुनिया खत्म नहीं हुई है। वो यू नो मैं आपको बोला कि मेरा पहले का ड्रीम क्या था और अभी का ड्रीम क्या है, तो चेंजेस होते हैं, आप अपने दुनिया को खत्म मत समझना। और उसके बाद हम लोग तो आगे रहेंगे ही आप लोगों को हेल्प करने के लिए। ठीक है, पर्सनली मेरा वो बहुत ही खराब डिसीजन था, ये मेरा मानना है। अगर आपके पास नवोदय से बेहतर ऑप्शन है तो आप चुनिए, मैंने पिछले साल ये कहा था। नवोदय बुरा ऑप्शन नहीं, नवोदय बहुत ही बढ़िया जगह है, यदि आप इसे बेहतर पाते हैं तो ही यहाँ से निकलिए, अदरवाइज आप यहाँ से निकलते हैं और आप अंधेरे में गिर जाते हैं और पता नहीं क्या करना है। ये पहली बात ये है। दूसरी बात है जो मैंने कहा था कि इंजीनियरिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, मैं वो बताना चाहता हूँ आप लोगों को। टीयर 3, मैं टीयर 1 से पढ़ा हूँ, क्यों बता रहा हूँ ये बात। कभी आप टारगेट करते हैं ना तो सबसे टॉप को टारगेट निकलते हैं, लेकिन कितने को नौकरी मिलती है और कितने सक्सेसफुल होते हैं, तो आइडिया है कुछ हजार में। हर साल लाखों इंजीनियर निकलते हैं और कुछ हजार में मात्र सक्सेसफुल होते हैं, सही बात है। और यहाँ से निकलने के बाद कोटा जाकर भी बहुत लोग नहीं कर पाए, ये भी सच्चाई है। और कोटा जाकर बहुत लोगों ने किया भी, तो जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो पहले आप 12th कीजिए। 12th करने के बाद में 12th आपको चाहिए मैथमेटिक्स से, जो कि देवव्रत ने बताया कि मैथमेटिक्स और बायो में क्या है। ठीक, फिर आप टारगेट करते हैं टीयर 1 को। टीयर 1 मतलब मोस्टली IIT और कुछ NIT गिनती के NIT, वो टीयर 1 में आती है। जैसे कि अभी एक लड़का था IIT गुवाहाटी से 17 लाख का पैकेज मिला उसको, ये के लुना है वो पीछे बैठा है वहां पे। ठीक, लेकिन वो 3-4 तुमको निकल के आना पड़ेगा। ठीक है, मैं कहा बंद करता हूँ। सुप्रभात सभी को, धन्यवाद। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बड़ियाही सहरसा अलुमनी एसोसिएशन से जो ड्यूटी पे थे और अपना समय छोड़ के यहाँ आए हैं, क्योंकि इस तरह के ड्यूटी में बहुत जरूरी कामें होती है और वो अपना समय देने के आए, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो हम लोगों से थोड़ा मिले, क्योंकि हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो IAS एस्पिरेंट हैं जो आपसे मिलना चाह रहे हैं। और अलुमनी एसोसिएशन से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह का प्रोग्राम करियर काउंसलिंग खास करके वो अप्रैल महीना में एक बार जरूर कराए। और इस साल जो प्रेसिडेंट भी हैं अलुमनी प्रेसिडेंट, मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो करियर काउंसलिंग का स्पेशली अप्रैल मंथ में जरूर कराएं। धन्यवाद। एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित सभी अलुमनी भैया एवं दीदी को सुप्रभात, यहाँ के भी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अरे बोलने दो तब आवा करना। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की पहली कड़ी के रूप में हम बुलाना चाहूंगी शुभम जी को एक स्वागत गान। बैठो Me
आग्रह करता हूँ सभी अलुमनी कृपया पंडाल में आके बैठे, कुर्सियां खाली है। समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जब भी मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो समय कम पड़ जाते हैं। अच्छा तो मैं आज सुबह में भैया दीदी लोग जो भी बोल रहे थे मैं सुन रही थी, तो उसमें मैंने इंजीनियर आईएएस के बारे में ही बोल रहे थे। जब भी टीचर बनाने वाले टीचर ही होते हैं, कोई भी टीचर के बारे में नहीं बोल रहे थे। देखो सही बात है, डॉक्टर इंजीनियर बनो, बनना भी चाहिए, लेकिन आप लोग में से अगर कोई अच्छे टीचर नहीं बनोगे तो फिर आगे कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएगा, जो सही बात है। तो मैं आप लोग से बस यही कहना चाहूंगी कि मन से पढ़ाई कीजिए, कोई भी फील्ड खराब नहीं है, टीचिंग लाइन तो बेस्ट लाइन है। जो भी टीचर बनना चाहते हैं तो बनिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग के बीच बहुत सारे टीचर हैं जिनसे कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, मैं अभी पीजी कर रही हूँ और मेरा बचपन से ही एम है कि मैं टीचर बनूं। मैं बचपन से ही टीचर बनना शिक्षक बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास के जो भी बच्चे हैं उनको मैं अच्छी शिक्षा दूँ। और कहा जाए तो अभी मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रही हूँ अपने घर पे, मेरा कोचिंग फी है और आप लोग के बीच में कुछ बच्चे हैं जो कि मेरी अभी अभी तक तो मैं तो अभी कुछ खास कर नहीं पाई हूँ, लेकिन हाँ मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे बच्चे हैं और आप लोगों को मैं अपने बच्चों से मिलवाना चाहूंगी जो कि आप लोगों के बीच है। मेरे जो मेरे पढ़ाए हुए जो भी बच्चे हैं स्टेज पे आ जाए। क्या होता है और हम लोग फूल मौज मस्ती लोकगीत अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं लोकगीत का दो लाइन रोना चाहता हूँ और मेरा मानना है कि आप लोग जरूर इंजॉय करेंगे। अरे ऐसी विपत्ति परी दुनिया कछु न समझ अजान, ओ ओ शैया मिले कैया मैं क्या करूं, शैया मिले कैया मिले मोहे ब्याह के आई, बारह वर्ष मोहे ब्याह के आई, ओ सैया रवे कर कैया मैं क्या करूं, यहां पे कैया कुमार पंडित नवोदय की उपलब्धियों पर बहुत सारी बातें होती है, बहुत अच्छा लगता है सुनकर, लेकिन मैं जो डार्क साइड जो नवोदय का डार्क साइड है मैं उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा कि हमने क्या लिगेसी क्या छोड़ के गए हैं इस नवोदय में। तो ये सब नहीं पता कि यहाँ पे पहुँचने के लिए क्या करना, तो भैया लोगों ने ये कहा था कि आप लोग देसी का कार्ड स्ट्रॉन्ग कीजिए, यहाँ मतलब आप लोग कोई नहीं इसका वैल्यू समझते, बस स्पीच हाँ अच्छा में आ रहा लिख रहे हैं कि हाँ समय बहुत मूल्यवान है, लेकिन समय को ये जो समय बीत जाएगा वो फिर नहीं आएगा। ये जो आपका बेसिक कार्ड है बच्चों का है, इधर बच्चों पूरा सुनो, कोई बकवास भाषण नहीं दिया जा रहा है, जिसको लक्ष्य स्टार्ट कर दो ठीक। आप फिर से आज मैं जी आज में मैं बोलना चाह रही हूँ
जो बोल रहे हैं उनको आप सुनिए, सुनने के अमल करिए। अगर आप कोई बात अमल नहीं करते हैं तो बोलने का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए अगर आप सुनना चाहेंगे तो कोई भी, चाहे भैया हो, दीदी हो, वो आपको कामयाबी की रास्ता बताएंगे। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो भी यहाँ पे सक्सेसफुल भैया या तो मैं अपने बैच के जो भी बचे हुए हैं उनको इंट्रोड्यूस हम लोग प्यार से इन्हें सुमित जी ही बुलाते थे, अभी भी मुझे सुमित जी निकल रहे थे। और ये भी बीएड कर रहे हैं, शिक्षक बनने का इनका एम है। गोविंद कुमार सर, ये हमारे इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को इतनी देर तक झेला। पीछे से काफी भैया बार बार आके बोल भी रहे थे, फिर भी आप लोग हम लोगों को सुने। रोशनी तो हमारे आने से ही शुरू होगी। अब अगले बैच को फिर से बुलाते हैं। हाँ तो फिर आप लोग ये बात मानते हैं, बुलाते हैं एक डांस के साथ, स्वागत करते हैं अभिजीत के एक डांस के साथ। अरे हम बोलते कौन, हम बोलते कौन, नहीं जाते नहीं जाते नहीं जाते तो करो हमारा। झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना। कुछ तो लोग, कुछ लोग तो कहेंगे क्योंकि उनका काम है क्या।
हेलो 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 मैं चंद्र कुमार अकाउंटेंट सहरसा कलेक्ट्रेट एमएड कर रहा हूँ और मेरे साथ और भी साथी आए हुए हैं लेकिन स्टेज पे नहीं आना चाहते हैं। प्लीज तुम लोग भी आओ स्टेज पे। मेरा नाम मुकेश कुमार मिलन हुआ, मैं अभी बीएड कर रहा हूँ। मासूम मत होना जिंदगी में, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलम बन सकता है। मैं तो नहीं आपको नहीं बता पाई थी जो भी मेडिकल इंजीनियरिंग में आप लोग जो लगे हुए हैं निकलने के बाद अगर बाय द वे आप लोग उस लाइन में नहीं जा पाते हैं तो आप लोग क्या टाइम गैप मत कीजिएगा किसी भी अनुदान नहीं देखते उसको दिखना सीखो। दक्षिण अफ्रीका में जब अंग्रेजों का कर्तव्य निवेश हुआ था जब भारत के गुलाम था दक्षिण अफ्रीका भी गुलाम था दो चप्पल कंपनियों के एजेंट दक्षिण अफ्रीका के वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहां कोई चप्पल नहीं पहन रहा है तो क्या रिएक्शन होता कोई चप्पल वहां नहीं पहन रहा और वो बाजार खोजने गए और चप्पल एक जहाज चप्पल भेजा जाए कि यहाँ के लोगों को भूखे मारना है और दक्षिण अफ्रीका उनके लिए चप्पल का सबसे बड़ा बाजार था। तो तुम लोग ये देखो कि जहां नजर नहीं जा रही है एक्चुअली वो सबसे बड़ा करियर ऑप्शन है क्योंकि वहाँ कोई नहीं जा रहा है वहाँ अपार संभावना है वहाँ ठीक है। तो आप डांस वगैरह चाहिए तो प्लीज वेलकम करें विद अ डांस। मेरा नाम गणेश कुमार है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करता हूँ।
हम एक चीज बोलना चाहेंगे आप लोगों को, आप लोग जब भी कभी लाइव में अपना इंट्रोडक्शन दें तो किसी ना किसी बहाने से ये जरूर बोले कि हम नवोदय रास्ता खुद निकालते हैं, बस आप बहते रहिए, जिंदगी खूबसूरत है, आपको अच्छे मुकाम पे पहुंचा देगी। ठीक है भाई, मेरा नाम विकास कुमार है, 98 बैच से मैं हूं और अभी जीविका में प्रोक्योरमेंट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूं पूर्णिया जिले के अंदर। ठीक है, और मेरे सब फ्रेंड लोग हैं, अपने अपने बारे में बताएंगे। थैंक यू। सुप्रभात भाइयों और बहनों, और उसके बाद मैं अपना स्वयं का परिचय देना चाहता हूं। मैं 1998 से 2005 की बैच का हूं, मेरा नाम कुमार आनंद झा है और मैं अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में मचान है और अंत तक यही बनी हुई रहनी चाहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग आराध्य, जय नवोदय। मायसेल्फ निखिलेश कुमार, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से बीटेक किया हूँ और अभी एज ए सर्विस इंजीनियर M2 टेक्नोलॉजी मुंबई। गुड मॉर्निंग सर और मैडम, गुड मॉर्निंग जूनियर्स। मेरा नाम है अर्जुन कुमार, मैं पहले ब्लॉक में जॉब करता था एज ए सुपरवाइजर और अभी मैंने BPSC मेंस का एग्जाम दिया है और मैं एक इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ जनरल कंपटीशन के लिए, जिसमें बहुत तरह के स्टूडेंट्स सब आते हैं, रेलवे, BPSC, SSC, ग्रुप डी, इस तरह का जो भी कंपटीशन होता है। क्योंकि यहाँ नवोदय में जो भी लोग आते हैं पढ़ने के लिए तो उनके मन माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ रहता है कि हमको मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाना है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा सेक्टर है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है या उसके तरफ कोई मतलब ये नहीं होता है मोटिवेशन उस तरह का। अगर उस तरह का हो तो चूंकि आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है ना कि जनरल कंपटीशन में लोगों को होना ही चाहिए और ये भी चीज़ एक अच्छा है अवसर कि अगर कहीं आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। UPSC, SSC, BPSC ये सब चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है, एक बार आप लोग उसके बारे में जानकारी एंड कलेक्ट करिए, उसके बाद उस तरफ कर सकते हैं आपको। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम राजेश रोशन है, मैं अपने गांव में ही एक डिस्पेंसरी खुला हुआ हूँ और वहीं अपना प्रैक्टिस कर दिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा। ये हमारे साथी हैं जो 96 बैच से ही आलोक कुमार है, मैं अभी टीचर में हूँ, बेटी भी नवोदय के ही है, हमारी शादी जो हुई है वहाँ पे भी हमारे देवर लोग ननद लोग सारे नवोदय के ही हैं। जो सीनियर हैं वो भी हमारे देवर हो गए, पहले भैया कहते थे, पहले पैर छूते थे, लेकिन अब वो मेरा पैर छूते हैं। और अभी तो 97 98 के अरविंद जी थे यहाँ पे, वो भी हमारे देवर जी हैं। तो हमारे घर पे सारे नवोदय से नवोदय हैं और बहुत ही अच्छा लगता है नवोदय में आकर के। मैं बराबर यहाँ आप लोगों से मिलते जुलते रहती हूँ, बराबर आती हूँ जानती होंगी। ठीक है, सुबह में हम लोग ये मैं 1997 वैसे हूँ, मेरा नाम सरिता कुमारी है, मैं घर में 3 बहन और 1 भाई हूँ, मेरे 2 बहन और 1 भाई सुपौल नवोदय से थे और मेरी शादी भी नवोदय से हुई है। और अभी डिफेंस में वो एज ए JWO है। मैं फिलहाल 10 प्लस 2 स्कूल में एज ए फिजिक्स टीचर हूँ। हो कैरियर हो सब कुछ में आप यहाँ से बेस मिलेगा आपको, इसलिए आप बहुत मेहनत कीजिए यहाँ पर। आप अगर Thank you.
मैडम में उपस्थित है। 1995 वर्ष मतलब ही स्थापना वर्ष और 1995 से ही गिनती शुरू हुई तो आज 25 पूरा हुआ और फिर आज से गिनती शुरू होगी तो फिर 25 पूरा होगा। तो जो अभी 6 क्लास में हाथ उठा वो तुम्हारा सिल्वर ईयर हो और उस समय जो होता है कि बूढ़े हो जाएंगे लेकिन बुलाना जरूर। अभी हम जितना एनर्जी में है उस दिन तुम उतने एनर्जी में रहोगे, हमें भूलोगे नहीं। नहीं मैं वादा करता हूँ अगर रहूंगा तो यहाँ रहूंगा उस दिन। 96% सेंट्रलाइज प्रोग्राम होगा और 1996 बैच के प्रतिनिधि आलोक कुमार अपने बैच से संपर्क में रहेंगे और वह अगले साल के सारे कार्यक्रम को निर्देशित करेंगे, उनको गाइडलाइन करेंगे और बच्चों में अधिक से अधिक उनको लाभ हो इस पे फोकस करना है हमारा उद्देश्य। हमें परिचित है उसके बाद प्रीतम झा जो कृषि विभाग में पदस्थापित है सहरसा जिला में ही, परशुराम कुमार बहुत बड़े बिजनेसमैन है राजा सोनवर्षा में, इनका अच्छा खासा कारोबार है। चंदन दत्त ये हमारे कार्यक्रम को हमारे पीठ पीछे रह करके बहुत अच्छे तरह से गाइडलाइन किए हैं, बहुत अच्छी मदद किए हैं, इनको भी धन्यवाद। ये संजीव कुमार है जो कुछ ही दिनों में दारोगा बनने वाले हैं और कुमार सौरभ परिचय के मोहताज नहीं है। कुमार सौरभ जो फार्मेसी में बहुत ही ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, बहुत ही जल्द बड़े बड़े कंपनी इनके राह देख रहे हैं, इनको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। और अमरेश कुमार जो बीपीएससी क्रिएटर के रूप में जाने जाते हैं, ये भी जिला प्रशासन पूर्णिया में पदस्थापित है। और फिर ये सबों का ब्रीफली इंट्रोडक्शन हुआ और अगर कोई बोलना चाहते हैं तो बोलो। ये सारे हमारे बैचमेट्स भी हैं और हमारे जूनियर्स भी हैं, इन्होंने जो आगे टीचर बने हैं और आगे आप लोगों की तरह ही वो स्टूडेंट को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। मुझे लड़कों को देते हैं ठीक है इसे जमाने के गए बच्चों को गुस्सा जदो करना है होर सोना लगना है होर सोना लगना है कोई चल लो कुछ भी कहना रैली जिद्दा मर्जी रहना कोई चल लो कुछ भी कहना रैली जिद्दा मर्जी रहना तेरे लिए हो मंग लेना तेरे लिए हो मंग लेना बाबा कर दी कला करे जोंदी रहे मुटे आरे नी रब तेरा पना करे है जोंदी रहे मुटे आरे नी रब तेरा पना करे हो जोंदी रहे मुटे आरे नी रब तेरा नी रब तेरा नी रब तेरा पना करे हो ऐवें चकली गल सुनिया गुस्सा कर गया गल सुनिया ऐवें चकली जोंदी रहे मुटे आरे नी रब तेरा
मैं करना हूं फोन तेनू कर बेबी हूं ही करू बार आनी मन च फुल बापू तेन चाहनी बापू तेन चाहनी आल सौखा लैनी फोन तो चक है मेरा मसारी मेरा मसूरी कन्या मेरा मसूरी चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से दो कदम में तो चल नहीं सकता
दो कदम मैं तो चल नहीं सकता, तू ही मिल जा किसी बहाने से। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, वाद
रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना ओ अल्लाह वारिया, वो मैं तो आरिया वो टूटे आरिया मिला दे ओ अल्लाह वारिया, मैं तो आरिया वो टूटे आरिया मिला दे ओ। अभी मोमेंटो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ विद्यालय परिवार को भी सम्मानित करना है, ये बात को हमेशा के साथ आए हैं। बहुत लोगों को अपना साधन नहीं है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं तो उन्हें जाने में असुविधा होगी। बहुत लोगों का टिकट रात का भी है, तो आपस में समय कम लेते हुए आपस में सोच लें कि इसमें कुछ है। पहले वही टीम एग्जिस्ट करेगी कि या नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात है कि इसमें अगर वही करती है तो इसमें और कुछ जोड़ना या घटाना है, दूसरी बात नहीं। तो पिछले साल इनको मनोनीत किया गया था, इनको परेशानी ये हो रही है कि ये इम्प्लाई है और जो अमाउंट आ रहा है इनके अकाउंट में जुड़ रहा है, तो इनकम टैक्स की समस्या है, तो सब लोग जानते होंगे। तो ये बराबर तो है, हमको व्यक्तिगत रूप से फोन करके कहते रहे कि सर ये तो सभी मेरे इनकम में जुड़ रहा है, तो सही बात है, ये प्रॉब्लम है इनके साथ। तो एक अकाउंट अगर ये एलुमनाई के नाम से हो जाता है तो ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। सुना था क्योंकि ये अभी तुरंत आए हैं और इंटरेस्टेड है, मतलब इस सब में मन लगता है, भी है तो 10 साल लॉट लिस्ट में रहे हैं ना क्या, लेकिन बैंक सहयोग नहीं किया, हम लोगों को अकाउंट नहीं खुल पाया। तो चाहेंगे कि जो लॉ वाले कोई थे अकाउंट ये एडवोकेट कोई वहाँ बैठे थे नहीं आए ना, एक एडवोकेट चाहिए जो एफिडेविट और ये सब करके दे दें, तो उसके बाद जो है अकाउंट खुल जाए। हाँ तो एक अकाउंट खुल जाए और उस अध्यक्ष से अगर चुनना है तो उनको चुन लिया जाए और नई कमीशन की तरह काम कर रहे हैं तो हमारे लिए तो यही है। अमन भगत अध्यक्ष हो गए और जून में स्कूल खुले रहेगा। दूसरी बात है जो ऑटम ब्रेक होता है जो पूजा के समय होता है, इसीलिए देखना है सबसे प्रमुख पद है बैच रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो एक्टिव है तो सब कुछ एक्टिव प्रदान करें और इस याद को सर अपने पास रखेंगे हम लोगों की कि रजत जयंती समारोह में हम लोगों ने सर को आमंत्रित किया था और सर ने आमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया। बहुत खुशी हुई सर आपको देख के, आपको यहाँ पर पाके हम लोगों का कार्यक्रम सफल हो गया। सर आप आशीर्वचन के रूप में दो शब्द सर उनके परिवार के सदस्यगण और बच्चे अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, हमने इस विद्यालय के स्थापना काल से 24 वसंत इस होली सोयल के ऊपर देखा है। 30 अक्टूबर सन 1995 को मैं पहली बार अभी जवाहर नवोदय विद्यालय भागलपुर में हूँ, नौगछिया की एसपी निधि रानी हमारी एलुमनी है, सुपौल के एसपी हमारे एलुमनी हैं, ऐसे 18 जिलों को हमारे बच्चे लीड कर रहे हैं।
और पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाइए, चाहे सिविल एविएशन का एरिया हो, एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया हो, पुलिस प्रशासन का एरिया हो, डिफेंस सर्विसेज हो, हर जगह आपको अपना एलएमजी मिलेगा। कारगिल युद्ध में हमारे एक छात्र ने जो कैप्टन था अपनी मातृभूमि के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस कर चुका है। हमें अपने बच्चों पर गर्व है, लेकिन बच्चों में एक चीज बड़ा सोच करके कभी कभी उदास हो जाता हूं कि देश की ऐसी कोई भी शिक्षण संस्था नहीं है, चाहे वो टाटा का हो, बिरला का हो, डालमिया का हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, डीएवी पब्लिक स्कूल हो, जून हो, ओक ग्रोव हो, किसी भी स्कूल में इतनी सुविधाएं, इतने योग्य शिक्षक नहीं है। लेकिन हमारा समाज इसकी उपयोगिता के प्रति उदासीन है। वो बच्चे समझते होंगे, जो बच्चे यहां से पढ़ करके निकले और आज कुछ पदों पर आसीन है, उनको मालूम है इस विद्यालय की क्या हकीकत है। अभी मैं जैसलमेर गया था अभी कुछ ही दिन पहले, वहां का एक बच्चा 2 साल पहले आईएएस था, अभी प्रोबेशनर्स के रूप में है, उससे मेरी मुलाकात हुई। वो रो पड़ा, बोला कि सर आईएएस तो दूर, हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, मैं 7वां पास के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकता। बच्चों जब ये छोटा विद्यालय था, 40-40 बच्चे आते थे, तो सन 2000 का हमारा पहला बैच के जो बच्चे हैं, इसके विटनेस हैं, गवाह हैं। हम पूरे उस समय रीजनल ऑफिस केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का इलाहाबाद हुआ करता था, अपने क्षेत्र में हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिजल्ट के लिए हमको एक सील मिला था, अवार्ड मिला था, हम प्रथम स्थान पर थे। 2004 तक मोर और लेस ये स्थिति बरकरार रही, 4 के बाद थोड़ा थोड़ा क्षरण हुआ, उसमें हो सकता है हमारी उदासीनता भी नहीं होगी। मैं बच्चों का, अभिभावकों का, लोकेलिटी का, मैं उसमें ज्यादा दोष नहीं दूंगा, लेकिन 2009 से 16 तक का जो काल था वो इस विद्यालय को काफी नीचे ले गया। 9 से 16 तक जो रिसोर्सेस इस देश के इस विद्यालय के ऊपर लगा, उसका ज्यादातर मिसयूज हुआ। ये बहुत दुख की बात है। वह विद्यालय जो अपने रीजन में टॉप पर होता था, एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता था, वो आज मुझे लगता है कि यदि मैं गलत नहीं हूं तो उस नक्शे से हम बाहर हो गए। बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। आप पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़िए। जैसे पतंग बहुत ऊंचाई पर हो, लेकिन उसकी डोर उसको उड़ाने वाले के